यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज पांचवा और अंतिम दिन है। इसी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं नंबर एक पर है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश नंबर वन हो रहा है। वहीं विपक्ष को घेरते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष की ना नीति है न नियत है, सिर्फ हल्ला करने का काम करते हैं। वहीं अधिकारियों के मुद्दे पर कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, इसको लेकर सरकार गंभीर है। अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर निपटने के लिए जो तैयारियां हुई है उनके मुद्दे पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो उसकी स्थिति पर गंभीर विचार विमर्श हुआ है और प्रदेश के सभी माननीय विधायकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश को चतुर्मुखी विकास की ओर ले जाएंगे और भारत का डेवलपमेंट के लिए एक जैन मॉडल स्टेट के रूप में हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा होने के कारण प्रदेश के विकास की जो संभावनाएं हैं दिन प्रतिदिन तेजी के साथ आगे आमूलचूल परिवर्तन की ओर बढ़ रही हैं। नौजवानों को सीधे हमने रोजगार से जोड़ा है जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाने में हमें सफलता मिली है। आज हम दूध उत्पादन में नंबर एक पर हैं, गेहूं उत्पादन में नंबर एक पर हैं, चीनी उत्पादन में नंबर एक पर हैं। तो कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट